लोग जो होते हैं वे लोग आज परमेश्वर के डर में रहते हैं, क्योंकि जो भी मैं करूं, जो भी मैं बोलूं, जो भी मैं सोच करूं, सभी बातों में कहां कौन है वहां पर? प्रभु है। इसलिए प्रभु के डर में रहने वाले हमारे जो जीवन है, ये जीवन को आज प्रभु की उपस्थिति में जीने वाले जीवन हम कह सकते हैं। हमारे जीवन परमेश्वर के डर में रहने वाला जीवन। यदि हमारे पास परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की साथ आज हमारे जीवन में नहीं है, तो हम किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं? यहाँ पर भजन संहिता किताब 14:1 में ऐसे व्यक्तियों के बारे में लिखा गया है जिसमें परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर का उपस्थिति नहीं है। भजन संहिता साम चैप्टर 14:1 पढ़ दीजिए तो। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए, घिनौने काम की है, कोई सुकर्मी नहीं। यदि परमेश्वर का डर हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में हम अनुभव नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, यहाँ पर एक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार, परमेश्वर नहीं है उसका मतलब परमेश्वर का साथ उसके साथ नहीं है, परमेश्वर का डर भय उसके जीवन में नहीं है, वो क्या कर रहे हैं वाला? दे आर करप्ट, भ्रष्ट हुए बन गए, दे हैव डन अब्यूमिनेबल वर्क, घिनौने काम उन्होंने किए हैं। देयर इज नोन दैट गुड डू इट, भलाई करने वाले किसी प्रकार से वे अपने समय को क्या करने का व्यतीत नहीं कर। ऐसी व्यक्ति जो परमेश्वर के डर में नहीं रहते, परमेश्वर के साथ उसके साथ नहीं है, हमारे जीवन भी इस प्रकार से आए तो आज हमारे जीवन के द्वारा हम बता रहे हैं हाँ परमेश्वर हमारा साथ है। लेकिन यहोशापात ने अपना जीवन को इस प्रकार से शुरू किया, अपने शासन को शुरू करते ही आज इस प्रकार के विषय में ये गवाही दिया गया है, यहोवा यहोशापात के साथ था। कितना सुंदर जीवन, कितना अच्छा जीवन, इस प्रकार का जीवन आज हमको क्या करना है? व्यतीत करना है। और इस कारण से वो आज परमेश्वर के डर में रहने के कारण सारे राज्य में वे केवल नहीं लेकिन वहाँ के आसपास के आज लोगों में भी आज इस प्रकार से परमेश्वर का डर वहाँ पर था। बल्कि यहाँ पर दूसरा इतिहास की किताब 17:10 में लिखा गया, 2 Chronicles 17:10, यहूदा के आसपास के देशों में, राज्य राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया, यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध न किया। कारण यही था, युद्ध नहीं होने के कारण, उसके विरोध में आज युद्ध नहीं था, एक शांत राज्य उसके राज्य में हम क्या सिने हम पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ, उसके साथ होने के कारण वह डर में, परमेश्वर के भय में अपना जीवन के व्यतीत कर रहा था। हमारे जीवन में भी यदि हम परमेश्वर के भय में हम रहे, परमेश्वर के डर में रहे, युद्ध हमारे सामने दिखाई देगा लेकिन ये युद्ध आज हमारे जीवन में आज हमको हार का जीवन व्यतीत करने नहीं लगाता, हमारे साथ ये टक्कर नहीं लगा सकता। इसलिए यहाँ पर यहोशापात इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने के कारण यहाँ पर लिखा गया, सो देयर वॉज नो वार अगेंस्ट हिम, उसके विरुद्ध में कोई युद्ध वहां पर नहीं। ये सबसे पहली आज जीवन हम यहाँ पर यहोशापात की हम क्या कर सकते हैं, हम पा सकते हैं। दूसरी बात 17:3 फिर पढ़ दीजिए, यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की, अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन काल चाल का अनुसरण किया। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है, ही वॉक्ड इन द फर्स्ट वेज ऑफ हिज फादर डेविड, उसका पिता दाऊद का, पिता दाऊद का एक स्टैंडर्ड प्रभु ने यहां पर आज यहोशापात के लिए रख दिया था, तुमको क्या कैसा चलना है, जिस प्रकार से मेरे दास दाऊद ने चला उसी प्रकार से तुमको भी अपना चाल को चलना है। यहोशापात ने ऐसा ही किया, दाऊद की चाल में उसने अपना चाल को है अपने आज ये जो हिड़ाई जो पनी छी हिड़ाई में आज के गरे लागी रहेको कुरा हामी देख्न पाउँछ, उसकी चाल में वो चला। दाऊद का चाल कैसा था, ये बात को हम देखेंगे तो फिर दाऊद की सब जीवन कहानी को हमको पढ़ना पड़ेगा है? जो हमारे समय अब समय नहीं है, लेकिन एक बात दाऊद के विषय में परमेश्वर ने भी आज क्या किया था, उसने साक्षी दिया था। ये साक्षी क्या था? प्रेरित का काम 13:22 Acts 13:22 उसे अलग करके दाऊद को उसका राजा बनाया, इसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य इसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा।